मैं नवीन पटेल और आप देख रहे हैं प्रवीण टेक नोट। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी की चैप्टर 8 डेसिमल की एक्सरसाइज 1.8 की क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो में इनके सारी शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा आपको और फॉर्मूला भी बताऊंगा कि इन्हें कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसका फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, बुक के हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ये जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनको हमें किसमें डेसिमल में लिखना है, इन फ्रैक्शन को डेसिमल में हमें लिखना है। तो इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला वाला इसका क्वेश्चन दिया गया है 5/10, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं जो 5 को डिवाइड कर सकते हैं 10 से तो भी इसका आंसर 0.5 आएगा। और जो आपको ये वाली ट्रिक भी पता होगी कि जितने जीरो होते हैं वो यहाँ पे आगे आ जाते हैं, फिर उसके बाद में ये जो नंबर है फिर उसके बाद जितने जीरो होते हैं इस नंबर के लेफ्ट साइड उतने टाइम्स में डेसिमल लग जाते हैं। तो ये 10 तो इसके लेफ्ट साइड में 1 टाइम में डेसिमल लग जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे 1 टाइम्स में डेसिमल लग जाएगा। तो सबसे पहले 5 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में जितने जीरो होंगे यहाँ पे 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, जितने जीरो होंगे उतने टाइम्स में यहाँ पर क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर 1 टाइम में लग गया, और ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो जीरो है वो उसके आगे आ जाएंगे, ठीक है, वो उसके आगे जीरो आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है करने का। वरना आपको नहीं समझ में आ रहा ये वाला तो आप सीधा सीधा 10/5 कर लीजिए, इसका आंसर आएगा 0.5, ठीक है। इसका आंसर 0.5 आएगा, आप करके भी देख सकते हैं इसका आंसर 0.5 आएगा। चाहे आप इस फर्स्ट वाले मेथड से कर लें या आप इस सेकंड वाले मेथड से कर लें, दोनों मेथड राइट होंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन बी को, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन बी है ये क्या कहता है, 3+7/10। तो 3+7/10, तो इसको मैं एक इजी फॉर्म में बताता हूं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए और प्लस, ठीक है, पूरा लिख लीजिए 7/10। अब यहां पर इजिकल टू का साइन लगाकर 3 प्लस, जैसे हमने ये वाला किया 10 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.7, क्योंकि एक जीरो है तो एक इसकी लेफ्ट साइड में एक बार में मैंने डेसिमल लगा दिया और कितने जीरो यहाँ पे एक है तो आगे मैंने एक जीरो लगा दिया। तो अब इसे आप प्लस कर लीजिए 3+0.7। तो देखिए इसे पहले प्लस करना भी सीख लीजिए, ये जो 3 है ये बड़ा है और 0.7 छोटा है, क्योंकि डेसिमल वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। तो सबसे बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे और ये जो डेसिमल वाला है इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे 0.7 और प्लस कर देंगे, ठीक है। इसे प्लस करेंगे क्योंकि डेसिमल वाला जो नंबर है वो एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है, ठीक है। ये डेसिमल है नहीं बट मैंने बताया डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, इस वजह से यहाँ पर बताया, क्योंकि ये बड़ा नंबर है 3, तो इसको जब प्लस करेंगे 3+0.7 तो क्या आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, इसे हटा दीजिए आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है, 3 और डेसिमल है तो डेसिमल और यहाँ पे 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 3.7 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका सी पार्ट भी करेंगे, जैसे हमने ए और बी पार्ट किया वैसे हम इसका सी पार्ट भी करेंगे। फ्रेंड्स हमने इसका क्वेश्चन सी राइट डाउन कर लिया, अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे जैसे हमने ए और बी किया। ये बट थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट ये सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन उतारते हैं वैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है। सेम 6+5+1/10, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। सबसे पहले आप इन नंबर्स को ऐसे ही एज इट इज उतार लीजिए और इसमें क्या करना है वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। एज इट इज यहाँ पर उतार लीजिए +6+5 और प्लस ये जो 1/10 से डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इसे करके भी देख सकते हैं 10/10/1 तो आपका आंसर 0.1
आ जाएगा। फिर उसके बाद में अब हमें इन्हें सबको प्लस कर देना है। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा ये, फिर उसके बाद में ये बड़ा है, फिर ये, और फिर ये सबसे छोटा है, क्योंकि डेसिमल वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। तो अब इसे हम लोग प्लस कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर सिक्वेंस में देखिए। सबसे पहले 200, ठीक है, अब यहाँ पे 65, अब ये 0.1 है वो, क्योंकि सब सारे नंबर्स में कोई भी डेसिमल नहीं है, बट जब किसी भी नंबर्स में डेसिमल नहीं होते हैं तो हम समझते हैं उसके राइट साइड में डेसिमल है, तो इनके राइट साइड में यहाँ डेसिमल है, ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया यहाँ डेसिमल है। और आपको पता है डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आता है, तो यहाँ पे 0.1 डेसिमल और 1, ठीक है, तो इसको हम करेंगे प्लस, ठीक है। तो अब 2 का 2, 6, 5 और डेसिमल और 1, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में क्या, 265.1 इसका आएगा हमारे पास में आंसर, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा कि आंसर कैसे आया। सिंपल है कि ये जो डेसिमल वाला है, ये जो डेसिमल वाला पोर्शन है, हमने इसे सबसे, ये जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और इनको सबको प्लस कर दिया इस सीक्वेंस में। आप इसे भी एक जगह राइट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग इन डेसिमल में ना कंफ्यूज करें, क्योंकि जब भी डेसिमल किसी भी नंबर में नहीं लगा होता तो हम समझते हैं राइट साइड में वो डेसिमल लगा हुआ है और डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है, ठीक है। तो अब हम अपना इसका डी पार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने जैसे अपने बाकी के क्वेश्चंस किए वैसे ही अब हम लोग अपने डी और ई पार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा डी पार्ट क्या कहता है, 70 + 8/10, जो 70 को हमें 8/10 में प्लस करना है, जो भी यहाँ पर जैसे ये फ्रैक्शन है इसको सबसे पहले हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया है, 10/8। आप ऐसे करके देख लीजिए ताकि आपका ये जो डेसिमल में नंबर गलत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब इसे कर लेंगे तो प्लस, जब 10 को 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.8 आएगा इसका आंसर। तो इज इक्वल टू का यहाँ साइन लगाएंगे तो 70 + 0.8, तो इसको प्लस कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 70, और जब भी किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो समझते हैं हम उसके राइट साइड में डेसिमल है, तो अब इसे भी लिख लेते हैं, 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल और 8, तो इसका होगा 7.0.8, तो इसका आंसर आएगा 7.0.8 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपना ई पार्ट करते हैं, जो हमारा ई पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे हमारा ये सबसे इजी पार्ट है, ठीक है, जैसे हमने ये किया वैसे ही ये भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें हमें सीधा सीधा इसको इसमें डिवाइड कर देना, 10 को 10 से 188 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आंसर। तो सबसे पहले हम 88 लिख देते हैं, 88/10 इज इक्वल टू 88/10, ठीक है। 88 को डिवाइड कर देंगे हम जब 10 से तो कितना आएगा, ठीक है, 88/10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे 88 को तो कितना आएगा, पहले तो सबसे पहले ये कितने से जाएगा, 10 8 80, तो ये हो गया कट गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद में तो ये 80 कितने से जाएगा, 10 8 80, ठीक है, माइनस करके 80 आ गया। इसका आंसर क्या आया, 8/8 इसका आंसर आया, 8.8 इसका आंसर आया डिवाइड करने के बाद, 88/10, 88 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8.8 इसका आंसर आएगा। और इसका कितना आंसर आया, 70.8 इसका भी आंसर आया, और इसका आया 8.8 आंसर आया। फिर हम लोग इसका फिर से अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे लिख लिया, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 4 होल नंबर है 2/10, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे क्या करो कि यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि ये जो है 4 × 10, इसे इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, 4 × 10 और प्लस कितना 2, ठीक है। और डेसिमल का डेसिमल आता है, आपको पता होगा, जो आपको नहीं पता कि इसे कैसे कन्वर्ट करते हो तो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सब ट्रिक्स बता रखी, ये नॉर्मल सी ट्रिक्स है,
ठीक है। तो आप जब 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 40 आएगा, 40 प्लस 2 कितना हुआ 42, 42 अपॉन 10 आ गया। तो अब इसे हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, 10 को डिवाइड 10 से डिवाइड कर दो 42 को, तो कितना आंसर आ जाएगा 4.2 10 डिवाइडेड बाय 42 टू 4. ठीक है 40 गया, ठीक है, और 2 बच गया, पॉइंट लगा दिया हमने, डेसिमल लगा दिया, 0 आ गया, 2 यहां पे करो 20, खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म। तो इसका आंसर आया 4.2, इसका आंसर आ गया। वैसे ही हम लोग अपना जी पार्ट करते हैं, तो जी पार्ट है वो दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, बस डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व डाल देते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है 3 अपॉन 2 है दोस्तों, इसे सबसे पहले हमें ऐसा करना होगा, इसमें वो नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा जो इसका डिमिनेटर है जो वो 10 हो जाए। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, तो सबसे पहले इसमें कौन सा जो नंबर है, 3 के टेबल में 10 आता है जी नहीं आता, तो 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, तो कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में आता है। तो 5 को जो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को जो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा, तो इसका 5 को जो मल्टीप्लाई कर दे, जब हम लोग 3 अपॉन 2 में जब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इसमें डिनोमिनेटर इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो कितना हुआ 10 हो जाएगा। और जब हम लोग न्यूमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस बराबर रहना चाहिए, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है, फिर देखते हैं हमारा आगे का क्या आता है। और 3 5 50 और 2 5 10, तो इसका हमारा आंसर आया 15 अपॉन 10, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 15 अपॉन, यहाँ पे 10 आ गया। तो इसको अब हम डेसिमल में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 आ चुका है, ठीक है। तो अब इसे जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5, क्योंकि मैं बार बार डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप इसको जब 10 से 15 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1/5 ही आएगा, ओके। तो अब हम इसका ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका आंसर जो हमारा आया है वो आया 4.2। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमने इसके अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन से उसने लिख लिया, जो हमारा एच क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है 2/5, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने अभी पिछला वाला सेम किया था वैसे इसमें भी करना है। इसमें भी हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसका डिनोमिनेटर 10 आना चाहिए, उसे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 10 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें 10 आ जाए। तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 5 2 जा 10, वैसे हम यहाँ पे 2 में 5 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें डिनोमिनेटर किस में चाहिए, 10 में डिनोमिनेटर, हमें जो 10 है वो किस में चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए। तो हम डिनोमिनेटर वाले में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में 10 आए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमिनेटर में क्या आता है, बट डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए। तो हम जब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर में हमारा आएगा 10, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो है 10/4 को जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इजिकल टू लगाकर इसका आएगा 0.4। आप लोग इसे 10 को और 10 से 4 को डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसका आई क्वेश्चन भी है वो भी करते हैं, 12 अपॉन 5 को भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो हमारा ये वाला है, जैसे ये वाला हमारा आंसर आया वैसे हम इसे भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये है, सबसे पहले इसे यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, फिर इसमें डिनोमिनेटर में इसमें भी हमें 10 लाना होगा, तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, तो 2 टाइम्स में आता है, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोस्तों दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि हमें बैलेंस बराबर रखना होगा, ठीक है। तो 12 2 24 और 5 2 10, तो हमें अब 24 अपॉन 10 को हमें क्या करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 से 24 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 अपॉन इसमें आएगा, 2/4 इसमें आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा इसमें आंसर आया 0/4 और इसमें आंसर आया 2/4, ऐसे हम इसके बाकी के दो पार्ट सॉल्व करते हैं।
हमने इसके जो बाकी के दो क्वेश्चन है हमने वो भी राइट डाउन कर लिया और उसे भी हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है जे क्वेश्चन, जो हमारा जे क्वेश्चन क्या कहता है वो हम लोग रीड कर लेते हैं पहले। तो 3 इज अ होल नंबर, 3 अपॉन 5 है जो हमारा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो जब भी कोई फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में होता है उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और जो आपको इस फॉर्मूला को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी वीडियोस में भी देख सकते हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो अब इसे सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइन कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में क्या है इसके, 5 है। तो होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, तो इसका आंसर आएगा 3 5 15 15 प्लस 3 18 अपॉन 5 आएगा। तो अब ये हमारा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया, बट ये अभी भी हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ना ही 10 है 100 है कुछ नहीं है। तो हमें इसके जो डिनोमिनेटर उसमें 10 लाना होगा, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करें जो इसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल 18 टू 46, ठीक है, और 5 टू 10 आ गया 10। तो अब हम लोग यहाँ पर 46 अपॉन 10 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 46 तो कितना आएगा, 4 अपॉन 6 इसका आंसर आएगा। आप इसे करके भी डिवाइड कर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब वैसे ही हम अपना के क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा उसे भी हम लोग करते हैं सॉल्व। अब इसको भी सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, तो इसका आंसर क्या आया, 4 2 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि अभी भी हम इसे मिक्स उसमें डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अभी भी हम इसे सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में 10 लाना होगा, फिर उसके बाद में हम लोग इसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के टेबल में कब आता है, 10, 5 टाइम्स में आता है तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 45 और 5 2 5 2 10, तो 45 अपॉन 10 को हमें जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे इसे कन्वर्ट, ठीक है। तो 10 से 45 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5 इसका आंसर आ जाएगा हमारा, जब हम लोग 10 से 45 को डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड कर भी देख सकते हैं, आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आंसर भी चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है, और आप इन्हें कर भी देख सकते हैं। और जो आपका डिफरेंट आंसर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और जो सेम आंसर आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड सॉल्यूशंस लाता रहता हूँ, ठीक है। होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने इसमें सारे अपने फॉर्मूलाज बताया और शॉर्टकट्स भी बताए, जैसे कि जो हमारा वो क्वेश्चन आया था 5 अपॉन 10 वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया 2 मेथड, ऐसे भी आप कर सकते हैं और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। वैसे मुझे ये वाला ज्यादा सुटेबल लगता है, बट मेरे को आता है तो मैं कर लेता हूँ ऐसे। और जो आप आपका आंसर आप चाहते हैं कि गलत ना हो, पेपर में गलतियां बिल्कुल भी ना हो, तो आप ऐसे कर लीजिएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका भी आंसर 0.5 ही आएगा, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, और फिर हम मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में।